इनको भेजो अंदर। नितिन मैम जी, मैम मेरे कमरे को साफ क्यों नहीं करते? मैम अभी तो साफ किया था कमरा आपका। अगर सफाई की थी तो उस टेबल पर बर्तन क्यों पड़े हैं? आई एम सॉरी मैम, माफ कीजिएगा, मैं अभी उठा देता हूँ, सॉरी। Hurry up and get out! देखा आप ही का दिल कितना बड़ा है, और सबसे बढ़कर के वो तुम्हारे लिए कितना सोचती हैं। वैसे तुम्हारी काबिलियत देखते हुए यापी ने ये फैसला किया है। तहरीम, क्या हमारी गुफ्तगू में तुम्हारी आपी का जिक्र हर बार आना जरूरी है क्या? I'm so sorry, हम टॉपिक चेंज कर लेते हैं। Yes, ma'am. ये जो ईमेल्स आपने मुझे की हैं, ये सारी इनकम्प्लीट हैं। बेसिकली आपको ये लगा कि मैं मसरूफ हूं तो मैं चेक नहीं करूंगी। नहीं नहीं मैम, मैंने ईमेल सिर्फ फॉरवर्ड किए हैं। ये प्रोजेक्ट तो आपने फाइजर को दिया हुआ है, ये उनकी ईमेल्स। तो फिर फोन करो फाइज को और उसे कहो कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके भेजे। मैम आयस की कल शादी हुई है, रात को भी वो यहीं थे। इस वक्त क्या मुनासिब होगा उन्हें ऑफिस बुलाना? मुनासिब? अब आप मुझे बताएंगे कि क्या मुनासिब है और क्या नहीं। आप ऐसा करें, फिर इस ऑफिस के सारे डिसीजन आप लेने शुरू कर दें। सॉरी मैम। फाइज को फोन करें और उसे कहे कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके भेजे और उसे इन्फॉर्म कर दे कि कल सुबह हमारी लाहौर की फ्लाइट है, वहां एक एग्जीबिशन है और कुछ मीटिंग्स, मेरे साथ जाएगा। ठीक है मैम। हरी आप लुकमान साहब। जी मैम।